हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशा और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं। सुबह खाली पेट लेने से कई बीमारियां भी दूर होती हैं और हमारे वजन को भी कम करने में नींबू काफ़ी हेल्पफुल है। और ये लीवर के लिए भी बहुत सही होता है और सबसे बड़ी बात है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है, तो नींबू हमें खाना ही चाहिए। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जरूर आप प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर मैं ली हूँ नींबू और ये 250 ग्राम नींबू है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैंने 2 से 3 घंटे धूप में सुखा लिया है। इसको हम पहले धो लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कॉटन कपड़े से पोंछ करके और इसे हम सुखा लेंगे 2 से 3 घंटे के लिए धूप में। मतलब इसमें एक ड्रॉप भी पानी नहीं होना चाहिए। धूप ना हो तो आप फेंक नीचे भी इसे सुखा सकते हैं। अब इस तरीके का हम एक ग्रेटर ले लेंगे या फिर ये जो ग्रेटर होता है ना कद्दूकस वाला, हम उसे भी ले सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप ले सकते हैं। और एक नींबू को हम ले करके और इस तरीके से इसका हमको हल्का हल्का सा छिलका उतारना है, ज्यादा हमको नहीं उतारना है। इस तरीके से हमें इसे उतार लेना है। ये देखिए उतर रहा है ना इस तरीके से। मेरे वीडियो को आप फटाफट से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे ग्रेट कर लिया है हल्का हल्का सा। बस ऊपर से हमको छिलका उतारना है, घुमाते हुए हम इसका छिलका उतार लेंगे इस तरीके से। तो ये तैयार हो चुका है। अब 250 ग्राम ही नींबू हम यहाँ पे रखे हुए हैं। आप ज्यादा कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 250 ग्राम ही नींबू यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी। तो इस नींबू को हम क्या करेंगे कि काट लेंगे। इस नींबू को आप एक साल नहीं, सालों रख करके और खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नींबूओं को कट करके और तैयार कर लिया है। अब हम एक बॉल ले लेंगे और लेमन स्क्वीजर से इस तरीके से हम नींबू को डालेंगे और इसका हमको जूस निकालना है। इस तरीके से हम सारे नींबू के जूस को निकाल लेंगे और ये मैंने साइड में रखा हुआ है। इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, अभी सिर्फ हमको जो अलग नींबू था ना उसका जूस निकालना है, मतलब कि छिलके वाले नींबू का। ये देखिए, छिलके वाले नींबू जो मैंने आपको बताया है ना कि मैंने आधा अलग कर लिया है, बस वही वाला। तो इस तरीके से हम सारे जूस को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने जूस को निकाल लिया है और इसे साइड में कर देंगे। और यहाँ मैं ली हूँ जार। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक लगा लिया है। तो आप इसमें जो खाने वाला चम्मच होता है ना, जिससे हम दाल वगैरह खाते हैं, उसी चम्मच से इसमें एक चम्मच नमक डाल करके, जो हम दाल वगैरह में नमक यूज करते हैं वही वाला नमक, और इस तरीके से इसे इस तरीके से घुमा लीजिए ताकि अच्छे से पूरे जार में लग जाए। ये देखिए, और अब हम इसे रख देंगे। और ये तैयार किया हुआ नींबू इसके अंदर हम एक एक करके और डाल देंगे, यानी कि जार के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे मैं ली हूँ 1 चम्मच नमक और ये नमक रॉक सॉल्ट है, यानी कि सेंधा नमक, वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए, स्पून भी थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि खाने की चम्मच से मैं बोलूँ तो यहाँ पे कम से कम 6 चम्मच मैं यहाँ पे नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब देखिए, मैं यहाँ पर ली हूँ उसी चम्मच से 1/2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, यानी कि काला नमक, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत जरूरी है, आप डालिएगा, इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा, आपका बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में। अब 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ सॉल्ट, जो हम दाल सब्जी में खाते हैं, बस वही वाला नमक, यानी कि टाटा सॉल्ट। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं अपने चैनल पर पंचमेल अचार की रेसिपी आप लोगों के बीच में शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर के और देख सकते हैं। और ये नींबू है तो इसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर ले रही हूँ जिसे हम दाल वगैरह खाते हैं ना उसी चम्मच से, यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है,
तो आप भी जरूर डालिएगा, क्योंकि नींबू के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। बस हमको इतनी ही चीजें डालनी है और इसमें हमको कुछ भी नहीं डालना है। और इसे अब हम अच्छे से हाथ लगाएंगे और इस तरीके से थोड़ा सा इसे हम घुमा लेंगे ताकि अच्छे से सारी चीजें इसमें मिक्स हो जाएं। और अब जो नींबू का जूस हमने निकाला था उसे हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। ध्यान रखें कि जार बिल्कुल भी सूखा होना चाहिए, और आप चाहें तो नींबू का जूस नींबू के ऊपर तक भी भर सकते हैं, इससे बहुत जल्दी आपका नींबू की गल जाएगा। जार को अच्छे से गर्म पानी से धो लें और फिर अच्छे से इसे सुखा लें। और इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे और इसे हम कम से कम 10 से 15 दिन तक धूप में रखेंगे। और जब भी आप इसे निकालें बिल्कुल भी आप इसमें भींगा हुआ चम्मच या स्पून न डालें, सूखा हुआ चम्मच स्पून से ही आप इसे निकालें। बिल्कुल बहुत बढ़िया गल के और बिल्कुल एकदम नरम सा ये तैयार हो जाएगा, ये देखिए। और आप जब भी इसे धूप में रखें तो एक दो बार जा करके इस तरीके से कर दिया करें, बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा फ्रेंड्स, और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए रेडी हो गया हमारा। तो अब मैं आपको 5 डेज के बाद दिखा रही हूँ और ये काफी सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए एक निकाल के मैं बॉल में और आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए बिल्कुल रसगुल्ला जैसा दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छे से गल चुका है। थोड़ा बहुत और होगा मतलब कि अंदर साइड में, लेकिन ऊपर से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए इसे मैं कट करके और आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि थोड़ा सा बीच में अभी ये नहीं गला होगा, लेकिन ऊपर से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, यानी कि ये गल चुका है। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसे इंजॉय कर सकते हैं यानी इसे खा सकते हैं 5 से 6 दिन के बाद। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो इसको मैं और 5-6 दिन के लिए रखूँगी धूप में। वैसे ठंड का मौसम है तो धूप अभी कमी हो रहा है, तो जितना भी धूप मिलेगा उसी में हम इसे रखेंगे। थोड़ी सी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी भी नींबू की मेरी जैसी बनके और तैयार होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर